आगे बढ़ते हुए बात होगी डेंगू के हवाले से। तो डेंगू मच्छर का हमला तेज हो गया है। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 4 नए केस सामने आ गए। शहर में डेंगू वायरस की तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 53 हो गई। सुबह भर में वायरस से 6 अफराद जान बहक हो चुके हैं। मसीह जान लेते हैं बिलाल चौधरी से। बिलाल चौधरी बताइए इस हवाले से। जी बिल्कुल, शहर भर में डेंगू के जो बुखार हैं बदस्तूर जारी हैं और गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू के मजीद 4 जो नए केस हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं और अब शहर में डेंगू के तस्दीकशुदा मरीजों की तादाद 53 हो गई है। जो 4 मरीज रिपोर्ट हुए हैं उनमें से 2 मरीज जो है वो सर्सिस हॉस्पिटल में जेरे इलाज है, जबकि एक जो पेशेंट है वो मनावा हॉस्पिटल में जेरे इलाज है, जबकि जो चौथा पेशेंट है वो कैंट के इलाके में जो है वो जेरे इलाज है। जबकि इसके साथ साथ पंजाब भर में डेंगू के तस्दीकशुदा मरीजों की तादाद जो है वो 2158 हो गई है और जो है डेंगू सर्वेलेंस के दौरान लावा बरामद होने पर 1040 अफराद पर एफ आई आर भी दर्ज करवा दी गई है, जबकि मुतद इमारतें भी जो है वो सील करवा दी गई हैं। इस वक्त शहर में डेंगू के मुश्तबा मरीजों की बात करें तो उनकी जो तादाद है वो 7000 से तजावज कर चुकी है और जबकि रवान साल अब तक पंजाब में डेंगू मच्छर के काटे से 6 अफराद जो है वो हालात हो चुके हैं, जिनमें से 4 अफराद इस्लामाबाद में हालात हुए हैं और 2 अफराद जो है वो रावलपिंडी से हैं। इसके साथ साथ अस्पतालों में डेंगू आइसोलेशन वार्ड भी कायम किए गए हैं और मरीजों को डेंगू टेस्ट और मुफ्त अद्वियात भी फराहम किए जा रहे हैं। शुक्रिया बिलाल चौधरी।